दोस्तों, मैं रॉब आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज 10 में हम वाईफाई को किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं या वाईफाई से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यूएसबी या तो अगर आपके कंप्यूटर पे इनबिल्ट या मतलब जैसे लैपटॉप है अगर आपके पास, तो उसमें इनबिल्ट वाईफाई होगा। और अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसमें हो सकता है यूएसबी पोर्ट के थ्रू लगाएं, यूएसबी डोंगल में वाईफाई। तो उसको आप जब कनेक्ट करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली ड्राइवर उसमें इंस्टॉल हो चुका होगा लैपटॉप में तो, और विंडो अगर आप कंप्यूटर पे करते हैं तो उसमें ड्राइवर आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे इंस्टॉल आपको पता चल जाएगा कि इसमें ड्राइवर इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा वाईफाई का ड्राइवर नेटवर्क अडेप्टर्स में। तो उसके बाद आप क्या करें, सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करें, सेटिंग में जाएं, नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाएं, वाईफाई आपको लेफ्ट साइड में शो करेगा, वाईफाई पे क्लिक करें। और यहाँ से आप इसमें चेंज अडेप्टर सेटिंग कर सकते हैं या फिर शो अवेलेबल नेटवर्क कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ चेंज अडेप्टर ऑप्शन में। आपके पास वाईफाई आपको शो हो जाएगा यहाँ पे, तो आप उस पर राइट क्लिक करके कनेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपका वाईफाई जो आसपास अवेलेबल होंगे वो आपको शो हो जाएंगे। तो आप जिसको कनेक्ट करना चाहें उस पर क्लिक करें और कनेक्ट ऑटोमेटिकली क्लिक करके आप कनेक्ट कर दें। पासवर्ड के लिए ऑप्शन आएगी तो आप उसमें पासवर्ड एंटर कर दें, तो इस तरह से आपका पासवर्ड एंटर हो जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा वाईफाई। डिसकनेक्ट का बटन आ जाएगा तो इसका मतलब आपका वाईफाई कनेक्ट हो गया है। और आपको राइट साइड में इसमें यहाँ पे नीचे टास्क बार में भी आपको शो हो जाएगा कि वाईफाई कनेक्ट हो गया। तो ये दोस्तों, इस तरह से आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं विंडोज 10 में। बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसमें। और दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लें वीडियो अच्छी लगे, और शेयर कमेंट एंड लाइक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।